बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? आज हम बनाएंगे दाल करेला। कढ़ाई में जाएगा सबसे पहले घी। करेले को फ्राई करने के लिए घी से ज़्यादा जाएगा। अब हम पहले करेले फ्राई कर लेंगे। दो दफ़ा करके हम करेले फ्राई करेंगे। एक किलो मैंने करेले लिए। दाल को मैंने बॉयल होने के लिए प्रेशर में रख दिए हैं। 3 मिनट के लिए हम दाल को बॉयल लेंगे। माशाल्लाह हमारे करेले अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम निकाल लेंगे। अब ले लेंगे हम एक कढ़ाई, इसमें वही करेले वाला घी हम डाल लेंगे। 1 कप के करीब ये 2 अदद प्याज लिए थे हमने, ब्रीक चॉप कर लिए। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है हल्की सी। हम ये टमाटर हरी मिर्च जाएगी, इसमें 3 अदद टमाटर लिए मैंने, 10 से 12 हरी मिर्च ली है। ये मैंने मसाले लिए हैं, मिक्स मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच ये मैंने रेड चिली ली है, ये नमक 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, ये भी साथ जाएंगे। हम मसाले को हम अच्छी से भून लेंगे। सिर्फ भुनेंगे, ये ज़्यादा तोड़ेंगे नहीं, मिक्स नहीं करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि ये प्याज और टमाटर नज़र आने चाहिए दाल और करेलों में। मसाला हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम दाल शामिल कर देंगे। 1.5 पाव मैंने दाल ली थी, उबाल लिया मैंने इसे 3 मिनट। दाल को थोड़ा सा हम भून लेंगे। ये ले ली हमारी दाल, अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मसाला मिक्स हो चुका है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम करेले शामिल कर लेंगे। अब हमने करेले मिक्स कर लिए हैं। अब 3-4 मिनट के लिए ना इसे दम पे लगा लेंगे, हल्की आंच करके। ले लेंगे
प्यारे से हमारे दाल करेले पक के तैयार हो गए। मैंने इसमें घी छोड़ दिया, अगर आपको नज़र तो आ रहा है तो ये बिल्कुल पक के तैयार हो गया। बहुत ही मज़े के करेलेदार करेले बनते हैं, आप भी बनाइएगा। बहुत ही बनाना बहुत आसान है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा। वो दुआओं में याद रखेंगे। अब मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।